छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही, वहीं केंद्र सरकार ने इजाजत दी मगर पूर्ण कार्य राज्य सरकार पर छोड़ दिया। राज्य सरकार के द्वारा जनसंख्या के अनुसार वैक्सीन की डिमांड की थी। राज्य सरकार द्वारा 25-25 लाख दोनों वैक्सीन की डिमांड की थी, जिस पर केंद्र सरकार के द्वारा मात्र 1.5 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ सरकार को दी गई। राज्य सरकार के द्वारा 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को हर हाल में वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं जिनका दूसरा डोज लगना है उन्हें भी हर हाल में वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। आज विपक्ष को गरीब अंत्योदय कार्ड धारियों को सर्वप्रथम वैक्सीन लगाए जाने से उनके पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी कोई दवा नहीं है। भूपेश बघेल सरकार हर वर्ग के साथ है। विधायक विनय के द्वारा मनेंद्रगढ़ वैक्सीनेशन सेंटर में गौरव मिश्रा को अपने हाथों से वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया गया। साथ ही विधायक ने कहा कि समस्त जनता सोशल डिस्टेंस का पालन करे, सैनिटाइजर का प्रयोग करे, घरों से बाहर कम ही निकले। शासन द्वारा जो 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीन लगवाया जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। विधायक विनय के साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार जैन, पार्षद अनिल प्रजापति उपस्थित थे। वहीं शासन की तरफ से तहसीलदार प्रभारी BMORI एवं स्वास्थ्य विभाग के लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर से उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ से सुरेश मिनोचा की रिपोर्ट, प्राइमिटी न्यूज। सुबह के मुखिया माननीय SSO भूपेश बघेल जी ये लगातार काम कर रहे थे कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन हो, और बाद में केंद्र सरकार ने इसकी इजाज़त दी लेकिन कहीं ना कहीं उनको मझधार में छोड़ने का काम किया, और जो पूरा का पूरा जो बर्डन था वो राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया। आज छत्तीसगढ़ 6 उन राज्यों में पूरे देश के जो आज 18 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन का आज शुभारम्भ हुआ है, आज उसका प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से आज मनेंद्रगढ़ की सेंटर में आके जो हमारे गौरव मिश्रा हैं उनको सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, चूँकि मैं पेशे से चिकित्सक भी हूँ, उनको वैक्सीनेट करने का मुझे मौका मिला। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, और इस बहुत ही विकट परिस्थिति में, बहुत ही भयावह परिस्थिति में सभी लोग अच्छे से रहें, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीनेशन की उपलब्धता के साथ साथ आके अपने वैक्सीनेशन कराएं। 16 साल के ऊपर के जो लोग हैं, जो क्राइटेरिया अभी सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार ने बनाया है, और 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं अपना दूसरा डोज भी जल्दी से जल्दी लगवाएं, और इस जो भयावह महामारी इससे दूर। विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आरक्षण सरकार लागू करती है वैक्सीनेशन। देखिए, गरीबों का अगर आंसू पूछने का काम जब भूपेश बघेल की सरकार करती है, तो ये जो विपक्ष के जो लोग हैं जो हमेशा अभिजात वर्ग की बात करते हैं और कभी भी गरीब के बारे में, जो गरीब के आंसू के बारे में कभी सोचते नहीं है, उनको तो पेट में दर्द हो गई होगा। अगर वैक्सीन की उपलब्धता कम है, राज्य हमने 25 लाख वैक्सीन की डिमांड की, 2 कंपनी बनाने वाली, एक बायोटेक और एक सीरम, दोनों से 25-25 लाख का डिमांड राज्य सरकार ने किया है, लेकिन मात्र 1.5 लाख का जो पहला खेप है वो अभी छत्तीसगढ़ सरकार को उपलब्ध है। ये पूरा का पूरा उपलब्धता केंद्र की सरकार को कराना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे हट गए। अगर पूरी वैक्सीन को अगर उपलब्ध कराते तो सारे लोगों को वैक्सीनेशन का यहाँ अवसर मिलता, लेकिन चूंकि वैक्सीन कम है, रोग ज़्यादा है, तो एक क्राइटेरिया बनाया गया, सबको वैक्सीन लगेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर गरीब आदमी को पहले लग रहा है तो उसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।